फाइनली मैं अभी आई हूँ अभी समय लगभग भाई के पास में, क्योंकि मेरे सलमान को थोड़ा सा कहते हैं ना, मैं थोड़ा इन्फेक्शन हो रहा हाँ, लेकिन लाना जरूरी था क्योंकि बहुत बुखार थी। वैसे मेरा आज आना जरूरी था क्योंकि रघुवीर भाई तो थे इधर, मुझे टेंशन नहीं था, क्योंकि मेरी सोफी रोने लग गई करके मैं आ गई, क्योंकि मेरे को लगा ज़्यादा तबीयत खराब होगी। और मेरे को फ़ोन पर बोले भी रघुवीर भाई ने कि टेंशन मत लो हम लोग आए, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं माना। रघुवीर भाई ने अच्छी दवा दी कि मेरा बेटा बहुत जल्दी अच्छा हो गया। सर मैं आना थी इधर अच्छा हो गया, दवा कितना फायदे की लगता है ना सुन, कितने दिन खाने का बोल बना कंपलसरी है, पानी पीना नहीं होगा मैं तो ना पूरा ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा उसको, चलेगा फिर चीर फाड़ करना, तो उसका टॉर्चर की वजह से भी हो रहा है। तो अगर ये नहीं दवा खाए ना तो फिर इसका ऑपरेशन है लास्ट में, है ना? कोई ऑपरेशन नहीं, अभी खाएगा ना। फाइनली मतलब मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया अभी आज, और इतनी सारी दवा थी, मैं कन्फ्यूज थी, बहुत कन्फ्यूज थी। मैं सुबह तो मैं आई तो मैं सोच रहा हूँ खिलाओ क्या, इतनी सारी दवा है। इसको भी याद नहीं कौन सी दवा बोले, अरे आपको मेरा सोया है तो पहले तो डोलो पिलो खिलाएंगे, इसको बुखार होते रहेंगे, क्योंकि सुबह ही बहुत बुखार थी इसको। नहीं वो पूरा देखो सफेद सफेद हो गया, सफेद हो गया, गर्म पानी से गरारा करो, जितना गर्म उतना जल्दी हो जाएगा। और वो दूसरे दिन तो उल्टी कर देता, जब भी करेगा तो नमक आ जाएगा, और थोड़ा मैंने उसको गर्म पानी पी जाए, गर्म ठीक हो गया। और मैं बॉडी मेरे बच्चे लोग को हम लोग फैमिली कुछ भी होता है तो मैं अस्सलामुअलैकुम, मैं दौलत नगर सलमान को फुकाने लाई थी, तो यहाँ पे देखो पुष्पा खाला ये लोग सब लोग आए। अरे पुष्पा खाला ने देखो कितना सारा फ्रूट लेके आए, अजमेर जाने के टाइम पे भी इतना सारा फ्रूट। और ये हमारी फातू खाला जानी मानी हस्ती है ना, जो खाना रोते रोते खिलाते दावत है ना, कॉलर टाइट कर रहे थे। और ये है हमारा सलमान, ये भी बच्चा इतना सारा फ्रूट, दोनों माँ बेटे इतने सारा फ्रूट लेके आते ना। और ये मेरी बहन की सास है, अरे असलम अरे है लाले है ना, लाले फातू काला फुल टाइम पास है ना अभी, जाने माने हस्ती बोली तो हाँ, जाने माने हस्ती जो रो रो के खाने। आप सबका स्वागत है ऑल टॉक्स में। तो यहाँ जो आपने देखा तो माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे का सुन करके कुछ भी दौड़े चले आए, इसी को माँ कहा जाता है। और अल्लाह पाक हर किसी का माँ को अच्छा रखे। और बाल बच्चा का सुनने से ही मन ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कुलसुम नायक का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।